हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोच ही रहे होंगे पहले की तरह। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आज फिर कुछ नए बिजनेस आइडिया जान लेते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपके काम का निकल आए। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूँ चार नए बिजनेस आइडिया जो शायद आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ एलकाशियनारो। दोस्तों, 7 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं और लगभग 10 साल का मुझे सेल्स का तजुर्बा है। अगर बिजनेस आपको करना है तो सबसे पहले आपको सेल्स आनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारा पहला बिजनेस आइडिया है LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर कुछ लोग असेंबल करके बेचते हैं, मैं असेंबल करने की बात नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक के लिए बोलते हैं मैन्युफैक्चर। या तो सिर्फ आप रॉ मटेरियल बनाइए और रॉ मटेरियल बना करके आप बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, या कंप्लीट प्रोडक्ट बनाइए और फिर उसको सेल करना शुरू कर दीजिए। रॉ मटेरियल बनाने में और फिनिश प्रोडक्ट बनाने में धरती आसमान का अंतर है। जहां पर आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पर आपका अपना ब्रांड नेम होता है, ISI मार्क होता है। बिना ISI मार्क के आप सेल नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर अनऑथराइज्ड है। ISI मार्क लेने के लिए आपके पास कंप्लीट फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए, आपका अपना लैब टेस्टिंग होना चाहिए, आपका अपनी सेफ सील्ड होनी चाहिए कि कितने आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ है, यूजर के लिए कहीं हार्मफुल तो नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर आपको ध्यान में रखने होते हैं। और किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आपके पास अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, अपना पेपर वर्क कंप्लीट है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से धंधा कर सकते हैं। एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट अच्छा खासा है। अगर आप इसमें बिना वारंटी का बल्ब अगर बेचते हैं तो आपके यहाँ से जो रेडी प्रोडक्ट है लगभग 10 रुपए का सेल हो जाता है, जिसपे आपको 2 रुपए 1.5 रुपए तक का आपको मार्जिन आता है। अगर यहाँ पर आप वारंटी वाला बल्ब अगर बनाते हैं और उसको आप रेडी प्रोडक्ट करके अगर मार्केट में सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 से 5.5 रुपए तक का बेनिफिट आता है, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, आप चूज करिए आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन इसका एक बैड फैक्टर है, रिप्लेसमेंट। अगर आप उस रिप्लेसमेंट को अगर संभाल जाएंगे तो आप इस कैटेगरी के मास्टर बन जाएंगे। आज का अगला हमारा बिजनेस आइडिया है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए, हर किसी के मन में श्रद्धा है और हमारे हिंदू धर्म में लगभग सभी पूजा करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ना करते हो। हर किसी को धूपबत्ती अगरबत्ती की तो रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ी लागत नहीं आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को करने में। इंडिया मार्ट पर इजीली आपको इसकी मशीनें अवेलेबल हो जाएंगी, रॉ मटेरियल भी आपको वहीं से मिल जाएगा, तो इसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं है। सिर्फ आपकी जो कॉस्ट लगेगी आपकी फैक्ट्री सेटअप करने में, एक कमरे की जगह में लगभग इसकी फैक्ट्री आपकी स्टार्टिंग में सेटअप हो जाएगी। जैसे ही आपकी सेल होना शुरू हो जाए आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अगला जो हमारा आज का बिजनेस है वो है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, बच्चे कभी भी पढ़ना बंद नहीं करेंगे, लिखाई पढ़ाई कभी बंद नहीं होने वाली, हमेशा चलती रहेगी। तो जब तक लोग पढ़ रहे हैं तब तक नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, नोटपैड की जरूरत पड़ेगी जब तक लोग लिख रहे हैं। तो ये बिजनेस भी अच्छा है, आप छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर जाए तो अपना स्केल बढ़ा सकते हैं। अगला जो हमारा बिजनेस आइडिया है थोड़ा सा एग्रीकल्चर को लेकर के है, लेकिन ये बिजनेस बहुत चल रहा है, दाल मेकिंग बिजनेस। अब दाल कैसे बनाएंगे, जैसे कि चने की दाल है, आपने देखा होगा चने की दाल बिना छिलके वाली, अब उसके ऊपर से, चने के ऊपर से छिलका उतार करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने से लेकर के पैक करने तक ये सारा काम होता है मशीनों के द्वारा। और ये मशीन आपको मिलेंगी इंडिया मार्ट पर, तो इंडिया मार्ट से आप मशीन परचेज कर लीजिए, अपनी छोटी फैक्ट्री को सेटअप कीजिए, बहुत इजीली आपको मशीन अवेलेबल हो जाएंगी। जब आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे तो ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अपनी दाल को पैक कीजिए, लेबल लगाइए और मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए। इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है क्योंकि चना आपको पड़ता है रॉ मटेरियल के हिसाब से सस्ता पड़ता है, लेकिन दाल
आप अपने मार्जिन्स लगा करके सेल करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी दाल की क्वालिटी कैसी है और मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप इस बिजनेस को मार्केट में समझ करके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आज आपको जरूर हेल्प करेंगे कोई ना कोई डिसीजन लेने में। और आप अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले, अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, कई सारे नए ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलने वाले हैं बिजनेस को स्केल करने के लिए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, सेल्स ग्रोथ करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। ये टोटली एजुकेशनल चैनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ अंत तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से फिर से आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।